सारे भाई बहन को जय मसीह, आत्मिक परिवार को भी जय मसीह की। और मैं मुबारकपुर के रहने वाली हूँ, मेरा नाम संगीता है। अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। और मैं कितना परेशान रहती थी, बहुत बीमार भी रहती थी। उसके बाद मैं मेरे ना बच्चे कंसीव नहीं कर पाती थी, करवा करती थी तो ख़राब हो जाते थे जी। तो बहुत दवाइयों पे पैसे, मैंने इतने पैसे लगाए, सारा पैसा ना बर्बाद कर दिया दवाइयों पे। 10-10 हज़ार के टेस्ट करवा लिए 32 हॉस्पिटल में, 16 माँ और एक इधर है पंचकूला माँ चक्रवर्ती नर्सिंग होम, वहाँ भी मैंने बहुत पैसे लाए। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरे को बच्चेदानी की, ना आपके दो मुँह हो गए, आप माँ नहीं बन सकते हैं। तो मैंने ना किसी को ये बात नहीं बताई थी, मैं अंदर अंदर ना रोती रहती थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई थी मैंने, और गांव में सारे कोई ना इतना कुछ बोलते थे ना, बहुत ताना मारते थे। मैं रात में भी रोती रहती थी, पड़ी सारी सारी रात हो जाते थे, रोती रहती थी पड़े। ये बोलते थे ना दवाई लेके आ, मैं दवाई लेने नहीं जाती थी, क्यों मेरे को पता था कि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, वो होंगे है नहीं। फिर बहुत गुस्सा करते थे कि दवाई तो लेके आप, पहले ही मैं सोचती थी पहले ही पैसा सारा बर्बाद हो गया, पैसा भी नहीं है मेरे पास तो कहाँ से जाऊँगी दवाई लेने, और होगा भी नहीं कुछ। फिर कोई बताता कि बाबा के चक्कर में, बाबा के पास बताता कि बाबा के पास चले जाओ, वहाँ चले, फिर चौकी लाना से चलो। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि आप तो झाड़ फूक से हो जाए, कहीं इधर से धागा बनवाना, कहीं उधर से धागा बनवाना। फिर उसके बाद मैं हार चुकी थी, फिर मैं निराश हो चुकी थी कि अब मैं माँ नहीं, 15 साल हो गए थे कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ये बात ना मैं किसी को नहीं बताती थी, अंदर अंदर घुटती रहती थी, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जल्दी जाती थी मैं। इसके कारण अब सब जब सारी जगह जा रही थी ना, मैं परेशान हो गई थी, तब तो आस छोड़ दी थी कि अब नहीं माँ बन पाऊँगी मैं। फिर मेरे को ना किसी ने बताया चर्च के बारे में, केएम के चर्च में जाओ, वहाँ पे आपको ठीक हो जाओगे। फिर मैं विश्वास वहाँ पहले नहीं करी थी कि हाँ सारी जगह तो ठीक नहीं हुई, वहाँ कहाँ ठीक हो पाऊँगी मैं। फिर मैं गई एक दिन, उसके बाद मैं वहाँ गई तो मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे। फिर जाती रही जाती रही, फिर मैंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट बोला था मैंने। फिर मैं विश्वास के साथ गई वहाँ पे लेके, मम्मा यही कह रही थी कि जो काम नहीं बना जरूर आपका काम होगा। और प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी आपकी इतने समय से जैसे भी है आपने जो भी लिखी है एक हाथ में उसे भी लो। प्रार्थना का विषय लिख के डाला था, एक हाथ में बीज लिया था मैंने, तब बोया मैंने विश्वास के साथ। और उसके बाद मैं उसी महीने में गांव चली गई थी, तो मम्मा ने मेरे सपने में मम्मा जी आए वहाँ पे, बड़े वाले अभिषेक भैया और मम्मा जी मेरे पेट पे हाथ रखा। मैंने उसी महीने में कंसीव कर लिया था, तब मेरे जब चेक कराया ना, तब कह रहा आपका बेबी कंसीव हो गया है। मेरे तीन बेबी ना खराब हो चुके थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने बोला था कि आपके बच्चेदानी में दो मुंह हो गए हैं और आप ना कभी माँ नहीं बन सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ 15 साल के बाद एक बेटी के साथ मुझे आशीषित किया है परमेश्वर ने, तो हस्बैंड में फैमिली सारी खुश है इस बेटी के साथ, हम बहुत आनंद बहुत खुश हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे को भी ताने मारना चालू कर दिया था जी, बोल रहे थे तू निर्वंशी है, ये है वो है, इस तरह जिसे गांव पे गया कभी तो बोलते थे तो तेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो उसका छोड़ दे, ये कर वो कर, इस तरह बोलते थे हमारे को बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं छोड़ने का कोई वो नहीं किया, मैं यही सोचा जो चलो होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है, मैं छोड़ेंगे नहीं। तो बोले यहाँ पर एक जगह झाड़ फूँक करता था वो बाबा था, वो बोला वहाँ आओ मैं वहाँ पर दिखा देते हैं। मैं यहाँ से जाना चालू किया, 5 बार वो हमारे को बोली 5 बार आ जाना और 5 बार में ठीक हो जाओगे। थोड़ा भी फर्क नहीं लगा, जो 19-20 का भी फर्क लग जाए तब भी ठीक था, वो भी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमें एक बेटी के साथ आशीषित किया, पूरी फैमिली और पूरे बच्चे के साथ मैं खुश हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं, अच्छे से वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में बने रहते हैं।